हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आज है दो अप्रैल 2021 आज के लिए इम्पोर्टेंट नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो रेडी है लेट्स बिगिन आर टूडेज वीडियो क्वेश्चन नंबर वन आई सी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू ICDS सर्विसेज के द्वारा स्कीम के द्वारा किसे हम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन बिलो सिक्स इयर्स छः साल से कम उम्र के बच्चों को प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों को या फिर नन ऑफ द अबव ICDS स्कीम के तहत इम्यूनाइजेशन का फायदा किन्हें मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज एंड बी बोथ आई स्कीम का फायदा छह साल से कम उम्र के बच्चे प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग महिलाएं तीनों को मिलता है लेट्स एक्सप्लेनेशन ICDS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और ये स्कीम 2 अक्टूबर 1975 सौ अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चों को छः साल से कम उम्र के बच्चों को खाना प्री स्कूल एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप रेफरल सर्विसेस आदि प्रोवाइड करना था आई स्कीम का फायदा छह साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी माताओं को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पॉस्चर नीचे बताए गए डिजीजे में से किस डिजीज कंडीशन में पर्सन बेंट पोस्चर से चलता है यानी झुककर चलता है ऑप्शन ए मलेरिया ऑप्शन बी चिकनगुनिया ऑप्शन सी फाइलेरिया ऑप्शन डी डेंगू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज़ चिकनगुनिया चिकनगुनिया डिजीज़ के अंदर पेशेंट हल्का सा झुककर चलता है यूजली बैंड पोस्चर इज सीन इन पार्किसन डिजीज एंड चिकनगुनिया बैंड पॉस्चर जो है पार्किसन डिजीज और चिकनगुनिया दोनों डिजीजेज में मुख्य रूप से पाया जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री अ नर्स इज असिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट मैनोपोजल ब्लीडिंग नर्स एक ऐसे क्लाइंट में असेसमेंट परफॉर्म कर रही है जिसमें पोस्ट मैनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है यानी मैनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है द टेंटेटिव डायग्नोसिस इज एंडोमेट्रियल कैंसर उस क्लाइंट में टेंटेटिव डायग्नोसिस के रूप में एंडोमेट्रियल कैंसर माना जा रहा है विच फाइंडिंग इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री आर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर सेलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई आपको क्लाइंट के द्वारा बताई गई हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उन्हें सेलेक्ट करना है जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क फैक्टर हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको उन सभी फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई देर इज़ टोटल सिक्स ऑप्शंस ऑप्शन वन ओबेसिटी, ऑप्शन टू मल्टीपैरिटी ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग ऑप्शन फोर अर्ली ऑनसेट ऑफ मैनोपॉज ऑप्शन फाइव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर ऑप्शन सिक्स प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन छह ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन वन फाइव एंड सिक्स एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए सबसे पहले रिस्क फैक्टर के रूप में माना जाता है ओबेसिटी को सेकेंड आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर यदि किसी पर्सन के फैमिली में पहले किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर अगर है तो चांसेस बनते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीज हो सकती है और जो लास्ट इसमें से सही ऑप्शन होगा रिस्क फैक्टर होगा वो है प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यदि किसी ने प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया है तो उसमें चांसेस हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाए आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर बिकॉज एडिपो सेल्स स्टोर एस्ट्रोजन एंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ओबेसिटी को हम रिस्क फैक्टर इसलिए मानते हैं क्योंकि जो एडिपोज सेल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन को स्टोर करके रखती हैं और अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन के संपर्क में आने में या एक्सपोजर होने पर हमें ये एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है आई होप आप समझ गए होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर के कारण एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पॉइंट है नली पैरिटी नॉट मल्टीपैरिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन नली पैरिटी का मतलब होता है ऐसी वुमेन्स जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं और मल्टीपैरिटी का मतलब होता है ऐसी वुमेन्स जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है तो एंडोमेट्रियल कैंसर उन महिलाओं में होगा जो कि नल्ली पैरिटी वुमेन्स हैं जिन्होंने एक बार भी कंसीव नहीं किया है ड्यू टू एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर सिगरेट स्मोकिंग को एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण नहीं मान सकते सिगरेट स्मोकिंग ब्लैडर कैंसर का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है लेट नॉट अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर endometrial कैंसर बिकॉज ऑफ increased एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन यदि कोई फीमेल जिसमें लेट menopause हुआ है उसका शरीर ज़्यादा समय तक estrogen के एक्सपोजर को झेला है इस वजह से चांसेस हैं कि लेट मेनोपॉज की कंडीशन में एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है

इस्पेली नॉन पॉलीपोसिस कॉलॉन कैंसर का एंडोमैट्रियल कैंसर हैज़ अ रिलेशनशिप विथ एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ये गोल्डन पॉइंट है आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होगा उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे एंडोमेट्रियल कैंसर होने के क्वेश्चन नंबर फोर द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड अडल्ट इज किसी अट्ठाईस साल के अडल्ट पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा एक सौ चालीस एम एम एच जी एक सौ साठ एम एम एच जी सौ एम एम एच जी या फिर एक सौ बीस एम एम एच जी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वन ट्वेंटी एम एम ऑफ एच जी हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर होता है वो 180 120 बटा 80 होता है और यहाँ पर जो अपर बीपी है 120 सौ इसे आप सिस्टोलिक बीपी कहेंगे और जो लोअल वैल्यू है इसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे जो कि 80 एम माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव A mother of a child with bronchial asthma tells the nurse that the child wants a pet. एक बच्चा जिसे अस्थमा है उसकी मदर क्लिनिक में आकर नर्स से कहती है कि उसका बच्चा एक पेट को पालना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्स के द्वारा नीचे बताए गए ऑप्शंस में से कौन सा पेट उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन ए cat option b fish option c गैरबिल the right answer is option टू fish हम सभी जानते हैं कि जो अस्थमा कंडीशन होती है वो एनर्जी एलर्जिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आने से ट्रिगर होती है अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं और कैट्स डॉग जैरबिल आदि ऐसे जीव होते हैं जिनके ऊपर बाल पाए जाते हैं और इनके बालों के कांटेक्ट में आने के कारण पर्सन में अस्थमैटिक अटैक आने की संभावना अधिक रहती है लेकिन फिश ऐसी पैट है जिसे हम नॉर्मली वाटर टैंक्स में पैट के रूप में रख सकते हैं इससे अस्थमा इफेक्ट नहीं होगा लेट्स द एक्सप्लेनेशन पैट्स आर डिसक्रेस्ड वेन पेरेंट्स आर ट्राइंग टू एलर्जिक प्रूफ अ होम फॉर अ चाइल्ड विथ ब्रोंक्यल अस्थमा अनलेस द पैट्स आर कैप्ड आउटसाइड जिन घरों में एलर्जिक प्रूफ एन्वायरमेंट मैंटेन करना होता है उन घरों में पैट्स को नहीं पाला जाता स्पेशली वहाँ पर यदि अस्थमा के पेशेंट मौजूद हैं पैट्स विथ हेयर और फीदर्स आर स्पेशली लाइकली टू ट्रिगर अस्थमा अटैक ऐसे पालतू जानवर जिनमें फीदर्स होते हैं हेयर्स होते हैं बाल होते हैं या फर होते हैं इनकी वजह से अस्थमेटिक अटैक आने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है अ फिश इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री पेट फॉर दिस चाइल्ड बट द पेरेंट्स शुड बी टॉट टू कीप द फिश टैंक क्लीन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हार्बरिंग मोल्ड इस बच्चे के लिए फिश को एज अ पेट पालना अप्रोप्रिएट है लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें फिश टैंक को बिल्कुल क्लीन रखना होगा वहाँ पर हार्बोरिंग मोल डेवलप ना हो पाए इस चीज का ख्याल रखना होगा क्वेश्चन में ऑप्शन थ्री में जो जैरबिल नामक जीव बताया गया था इट इज़ अ स्मॉल एनिमल सिमिलर टू माउस विथ लॉन्ग बैक हेयर लेग्स दैट इज ऑफ्टन कैप्ट एज अ पैट जो ये गैरबिल है ये एक तरह से चूहे की तरह दिखने वाला जीव होता है इसे भी हम पालतू के रूप में जानते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द सूचर लाइन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स हमारे स्कल में जो दो पैराइटल बोन्स पाई जाती हैं इन पोराइटल बोन्स के बीच में पाया जाने वाला सूचर क्या कहलाता है ऑप्शन ए कॉरोनल सूचर ऑप्शन बी लैमडोइड सूचर ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर ऑप्शन डी सेजाइटल सूचर दिस इज द पेराइटल बोन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सेजाइटल सूचर दो पेराइटल बोन्स के बीच में पाए जाने वाले सूचर को हम सेजाइटल सूचर के नाम से जानते हैं लेट्स एक्सप्लेनेशन कोरोनल सूचर दिस एक्सटेंड्स फ्राम ईयर टू ईयर ईच फ्रंटल बोन पैलेट मीट्स विद द पेराइटल बोन पैलेट एट द कॉरोनल सूचर कोरोनल सूचर ईयर से ईयर्स तक फैले रहते हैं और इस सूचर साइट पर जो फ्रंटल बोन है पेराइटल बोन से जुड़ती है ये मान लीजिए आपका स्कल है और ये आपकी फ्रंटल बोन है एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे इसे ये मान लीजिए स्कल है और ये फ्रंट पार्ट है ये बैक पार्ट है यहां पर मान लीजिए ये फ्रंटल बोन है फ्रंटल लोब है और ये है पेराइटल बोन्स तो यहां पर जो सूचर पाया जाएगा इसे हम कॉरोनल सूचर के नाम से जानेंगे ये आपका फ्रंटल बोन हो गया ये आपका पेराइटल बोन हो गया इन ये दोनों के बीच में यहाँ जो सूचर पाया जाएगा उसे हम कॉरोनल सूचर कहेंगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेमडोइड सूचर दिस एक्सटेंड्स एक्रॉस द बैक ऑफ हेड ईच पैराइटल बोन्स प्लेट मीट्स द ऑक्सीपिटल बोन प्लेट एट द लैमडॉइड सूचर लैमडोइड सूचर को समझने के लिए सिंपली हम एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये मान लीजिए फ्रंट साइड है फेस है और ये बैक पोर्शन है यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है यह आपकी मान लीजिए पेराइटल बोन है कलर चेंज कर लेते हैं सूचर के लिए यह जो सूचर पाया जाएगा यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ एक बार फिर से थोड़ा सा गट हो गया ये जो सूचर है यहाँ पर इस जगह पर यह पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन जो जुड़ रही हैं इस जगह वाले सूचर को हम लैमडोइड सूचर कहते हैं बिकॉज इस सूचर की आकृति देखने में जो लैमडा एल्फाबेट होता है उसकी तरह दिखाई देती है लेमडा शेप के होने के कारण इस सूचर को हम लैमडोइड सूचर के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम या फिर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स इन्फेंट्स ऑफ विच एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम किस उम्र के इन्फेंट्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है दो से तीन महीने की उम्र के बच्चों को तीन से नौ महीने की उम्र के बच्चों को या फिर बारह महीने की उम्र तक के बच्चों को या फिर किसी भी उम्र के बच्चों को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए टू टू थ्री मंथ्स ऑफ एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी इन्फेंट्स के अंदर होने वाला डेथ सिंड्रोम इन्फेंट्स का मतलब होता है एक साल से कम उम्र के बच्चे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के द्वारा दो से तीन महीने की उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया जाता है इसके अलावा एक साल तक के सभी बच्चे इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एस आई डी एस ऑल्सो नोन एज अट डेथ और क्राइब डेथ इट इज अ सडन अनएक्सप्लेन डेथ ऑफ चाइल्ड ऑफ लेस देन वन ईयर ऑफ एज एक साल तक के बच्चों का अचानक से डेथ हो जाना जिसका कोई कारण पता नहीं चल पाता सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहलाता है इसे हम कोर्ट डेथ या क्राइब डेथ के नाम से भी जानते हैं क्राइब का मतलब होता है झूला या पालना बच्चा जब पालने में झूल रहा होता है रेस्ट कर रहा होता है अचानक से उसकी डेथ हो जाती है इस चीज़ को हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और मोस्टली ये दो से तीन साल तक के बच्चों को दो से तीन सॉरी दो से तीन महीने की उम्र तक के बच्चों को मोस्टली ये प्रभावित करता है फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लिक अप द लाइक बटन थैंक यू क्वेश्चन नंबर एट नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है पाँच से दस एम एम एच जी टेन टू फिफ्टीन एम एम एच जी पंद्रह से बीस एम एम एच जी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी पोर्टल वीनस प्रेशर पोर्टल विनस प्रेशर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फाइव टू टेन एम एम ऑफ एच जी पोर्टल वीनस प्रेशर नॉर्मली पांच से दस एम एम ऑफ एच जी माना जाता है पोर्टल विनस प्रेशर मीन्स द प्रेशर इंटू हिपेटिक पोर्टल वेन इट इज़ नॉर्मली बिटवीन फाइव टू टेन एम एम ऑफ एच जी इट्स इंक्रीज कॉल्ड पोर्टल हाइपर टेंशन पोर्टल वीनस प्रेशर का मतलब होता है हिपैटिक पोर्टल वेन का प्रेशर और इसकी नॉर्मल रेंज होती है पाँच से दस एम एम ऑफ एच जी यदि इसका इसकी रीडिंग दस एम एम ऑफ एच जी से बढ़ जाए तो ये कंडीशन पोर्टल हाइपर टेंशन कहलाती है पोर्टल वीनस प्रेशर बेसिकली हिपेटिक पोर्टल वेन का प्रेशर होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू पाँच से दस एम एम एच जी होती है यदि यह प्रेशर दस एम एम एच जी से बढ़ जाए तो इस सिचुएशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अ सिक्सटी एट ईयर्स ओल्ड क्लाइंट्स डॉटर इज आस्किंग अबाउट द फॉलो अपेल्युएशन फॉर द फॉर हर फादर आफ्टर न्यूमेनैक्टोमी फॉर प्राइमरी लंग कैंसर एक सिक्सटी ईयर्स ओल्ड क्लाइंट की बेटी आपसे ये पूछती है कि फॉलो अप हमें कब करवाना है उसके फादर को लंग कैंसर था जिसके ट्रीटमेंट के रूप में न्यूमेनाकटोमी परफॉर्म की गई थी द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स इन विच इज़ द फॉलोइंग इस सिचुएशन में आपके द्वारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या दिया जाएगा एज अ नर्स ऑप्शन ए यूजल फॉलोअप इज चेस्ट एक्सरे एंड लीवर फंक्शन टेस्ट एवरी थ्री मंथ्स इस सिचुएशन में हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप प्रत्येक तीन महीने से आइए आने पर आपका चेस्ट एक्सरे और लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाएगा एज अ फॉलोअप या फिर द फॉलो अप फॉर योर फादर विल बी अ चेस्ट एक्सरे एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन ऑफ द एपडामिन एवरी ईयर आप साल में एक बार आइए और उस समय आपके फादर का चेस्ट एक्सरे और कंप्यूटेड सीटी स्कैन करवाया जाएगा एपडामिन का या फिर द फॉलो अप फॉर योर फादर विल बी अ चेस्ट एक्सरे एवरी सिक्स मंथ्स या फिर हम कहेंगे कि हर छः महीने से आप आइए और उस दौरान आपके फादर का चेस्ट एक्सरे करवाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि किसी प्रकार की अब तो नहीं आपके अनुसार इन तीनों ऑप्शंस में से क्या सही है द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द फॉलो अप फॉर फादर विल बी अ चेस्ट एक्सरे फॉर सिक्स मंथ्स छह महीने में एक बार आना है और टेक्स्ट एक्सरे करवाना है दिस इज द बेस्ट फॉलो अप फॉर द पर्सन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉलो अप जनरली इन्वॉल्व सेमी एनुअल चेस्ट रेडियोग्राफ्स फॉलो अप में हमेशा जनरली हम सेमी एनुअल यानी छह महीने से बुलाते हैं और उसमें रेडियोग्राफ्स करवाया जाता है यानी एक्सरे करवाया जाता है रीअरेंस यूजली अकर लोकली इन द लंग्स एंड मे बी आइडेंटिफाइड ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ्स अगर मान लीजिए कैंसर रीअकर होता है तो इस वो इसकी शुरुआत फेफड़ों से ही होगी और चेस्ट रेडियोग्राफ के थ्रू हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं फॉलो अप आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान फॉलो अप किसी भी कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान के रूप में देखा जाता है क्वेश्चन नंबर टेन नॉर्मल पी आर इंटरवेल इन ई सी जी एलेक्ट्रोकारोग्राफी के दौरान नॉर्मल पी आर इंटरवेल कितना माना जाता है ऑप्शन ए ज़ीरो टू ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो से ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव सेकेंड ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो से ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव सेकेंड ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव टू जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर जीरो सेकेंड जीरो पॉइंट वन टू से जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड पी आर इंटरवेल पी आर इंटरवेल पी आर इंटरवेल द बेस्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन डी जीरो पॉइंट ट्वेल्व टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड जीरो पॉइंट ट्वेल्व से जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड जीरो पॉइंट ट्वेल्व से जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड पी आर टी आर इंटरवेल क्वेश्चन नंबर इलेवन एन इन्फेंट वेट सेवन पाउंड्स एट बर्थ द एक्सपेक्टेड वेट बाय वन ईयर शुड बी एक बच्चे के जन्म के समय का वजन लगभग सात पाउंड है तो एक साल की उम्र पर उसका वजन कितना होगा दस पाउंड बारह पाउंड अट्ठारह पाउंड या फिर इक्कीस पाउंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्वेंटी वन पाउंड एक साल की उम्र में उस बच्चे का वजन लगभग इक्कीस पाउंड के आसपास होगा बिकॉज कॉन्सेप्ट कहता है कि जन्म के समय बेबी का जो वेट है वो एक साल की उम्र में लगभग तीन गुना हो जाता है जन्म के समय बेबी का वेट था सात पाउंड एक साल की उम्र में लगभग तीन गुना बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा इक्कीस पाउंड इसे पाउंड को हम एल से लिखते हैं और याद रखिएगा एक किलो के अंदर लगभग दो किलो होता है अप्रॉक्स आइडिया नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द फॉलोइंग नीचे बताए ऑप्शंस में से आपको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है सेलेक्ट करनी है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोजेस्ट्रॉन ओनली माला डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लेवो नॉर लेवो नॉर्जेस्ट्रॉल को हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेवोनॉरजेस्ट्रॉल इज अ अमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑल मॉस्कीटोज बाइट एट नाइट एक्सेप्ट नीचे बताए गए सभी मॉस्कीटोज नाइट में बाइट करते हैं एक को छोड़कर वो कौन सा है एडीज क्यूलेक्स, मैंसोनिया एनाफ्लिन दिन में काटने वाले मच्छर के बारे में आपको बताना है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडीज एडीज मॉस्क्यूटो मोस्टली डे टाइम में बाइट करता है लेट्स एक्सप्लेनेशन एडीज एजेप्टी इज अ डे बाइटिंग मॉस्क्यूटो that means the mosquito is most active during the daylight for approximately 2 hours after sunrise and several hours before sunset the mosquito rests indoor and closest and other dark places aedes aegypti jo machhar hai वो mostly दिन के समय active रहता है सूरज उगने से दो घंटे बाद तक और सूर्यास्त होने से कुछ घंटे पहले यह सबसे ज्यादा एक्टिव देखा जाता है यह मॉस्क्यूटो इंडोर्स में क्लोज स्पेस में और डार्क प्लेसेस में रेस्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है वेनाकावा वेन वेन्यूल या फिर साइनस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेन्यूल्स वेन्यूल्स को हम स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन अ क्लाइंट वॉन्ट्स टू रीड हिज चार्ट द नर्स शुड एक क्लाइंट के द्वारा कहा जाता है कि वो अपना चार्ट देखना चाहता है तो इस सिचुएशन में नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी फर्स्ट कॉल द डॉक्टर टू ऑब्टेन परमिशन वो डॉक्टर से पूछेगी क्या मैं क्लाइंट को उसके चार्ट्स रिपोर्ट्स दिखा दूं या फिर गिव द क्लाइंट द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर हेम आप क्लाइंट को चार्ट देंगे और उसके सभी सवालों के जवाब देंगे या फिर टेल द क्लाइंट दैट ही कैन रीड द चार्टैन डॉक्टर मेक राउंड्स आप क्लाइंट से कहेंगे कि जब डॉक्टर राउंड पर आए तब उस समय आप चार्ट पढ़ सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन फोर आस्क द क्लाइंट वॉट ही वांट्स टू नो एंड आंसर दोज क्वेश्चन विदाउट गिविंग हिम चार्ट आप क्लाइंट से पूछेंगे कि वो क्या जानना चाहता है और क्लाइंट को चार्ट दिए बिना आप उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू गिव द क्लाइंट द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर हिम आप क्लाइंट को चार्ट दे देंगे और उसके सभी सवालों का जवाब देंगे लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन द क्लाइंट शुड बी अलाउड टू सी हिज चार्ट क्लाइंट को उसके चार्ट देखने की पूरी आज़ादी है एज अ क्लाइंट्स एडवोकेट द नर्स शुड आंसर क्वेश्चन फॉर द क्लाइंट नर्सेस के इम्पॉर्टेंट रोल्स की बात की जाए तो नर्स क्लाइंट के लिए एक एडवोकेट की तरह होती है तो एज अ एडवोकेट नर्स को उसे उसके सभी क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए द नर्स हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अ प्राइमरी पार्टनर इन द हेल्थ टीम नर्स को उस क्लाइंट के लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर देकर प्राइमरी पार्टनर के रूप में खुद को शो करना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट शुड बी ऑब्जर्व फॉर एक क्लाइंट जिसमें मॉर्फिन सल्फेट चल रहा है दिया जा रहा है तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करना ठीक समझेंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ब्लड डिस्कैरिया गैस्ट्राइटिस या फिर जॉन्डिस For a hint, morphine sulfate is an opioid drug. The right answer is option A. We will check the respiratory depression in a patient or a person or a client who is having morphine sulfate administration. Question number 14. A client has a rectal cancer and is scheduled for abdominal perineal resection. A client may rectal cancer hai. और उसमें हमें एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन करवाना है वर्ड शुड बी प्रायोरिटी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी ऑप्शन ए टीचिंग हाउ टू इरिगेट द इलियोस्टोमी आप बताएंगे उसे कि इलियोस्टोमी को किस प्रकार से इरिगेट करना है या फिर स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट लूज इन द इंसीजनल एरिया इंसीजनल एरिया से जो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं उसे आप रोकने की कोशिश करेंगे या फिर एनकरेजिंग द हाई फाइबर डाइट आप क्लाइंट की डाइट में फ़ाइबर बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड उसे लेने के लिए कहेंगे या फिर फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुड ड्रेनेज आप पेरीनियल वुड ड्रेनेज को बेहतर तरीके से करवाएंगे the right answer of this question is option d the priority post operative responsibility in a person who is just had abdominal perineal resection is that to facilitate the perineal wood drainage let's see the explanation the client with perineal resection with have a perineal incision पेरिनियल रिसेक्शन वाले क्लाइंट के पेरिनियम पार्ट में इंसीजन लगा हुआ है कट लगा हुआ है ड्रेन विल बी यूज टू फैसिलेटेड वुंड ड्रेनेज हम उस घाव से इंसीजन से ड्रेनेज को अच्छे तरीके से निकल पाए इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे दिस विल हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन फॉर सर्जिकल साइट अच्छे से यदि ड्रेनेज बाहर निकल पाएगा तो इंसीजन साइट पर सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम होगी दिस क्लाइंट विल नॉट हैव इलियोस्टोमी। इस क्लाइंट में इलियोस्टोमी नहीं होगी एज इन आंसर ए ही विल हैव सम इलेक्ट्रोलाइट लॉस बट ट्रीटमेंट इज नॉट फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग द लॉस यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा लेकिन हमारा जो फोकस है इलेक्ट्रोलाइट को प्रिवेंट करने में नहीं होगा सो आंसर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट अ हाई फाइबर डाइट इन आंसर सी इज नॉट ऑर्डर एट दिस टाइम इस समय क्लाइंट को हाई फाइबर डाइट ऑर्डर नहीं की जाएगी सो so एवरी ये था हमारा आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें और पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जिसका नाम है फॉर नर्सिस प्रिपरेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रेगुलरली हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं एम दे रहे हैं आपके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है इस चैनल पर आपकी प्रिपरेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 500 हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस वीडियोज़ अवेलेबल हैं कंटेंट को हम पी डी में अवेलेबल करवाते हैं और आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हैं इन सभी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट